हमता दिखाई नहीं दे रहा है मौसम विभाग की तरफ से आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है जिनमें छतरपुर पन्ना मंडला बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा पांडुना खंडवा बुरहानपुर खरगोन बड़वानी धार रतलाम झाबुआ अलीराजपुर ग्वालियर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का मौसम लगातार जारी रहने वाला है इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से रीवा सीधी में आज भारी बारिश होने का अनुमान है ज्यादातर जिलों में बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने मऊगंज सतना मैहर सिंगरौली निवाड़ी शिवपुरी अशोकनगर मुरैना में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है उमरिया के चंदिया में दो दिन बाद रिमझिम बारिश हुई पाली मानपुर में धूप और छाव वाला मौसम है राजगढ़ जिले के पचोर में गुरुवार सुबह तेज गर्जना के साथ बारिश हुई लोगों को दो दिन से हो रही उमस से राहत मिली है उमरिया जिले में दो दिन से मौसम साफ था गुरुवार को कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है चंदिया में रिमझिम बारिश हुई पाली मानपुर में धूप और छांव वाला मौसम रहा राजगढ़ जिले के पचोर में गुरुवार सुबह तेज गर्जना के साथ बारिश हुई इसके इससे लोगों को दो दिन से हो रही उमस से राहत मिली है जिले के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं सागर में सुबह से बादल छाए रहे दोपहर में बारिश रही ठंडी हवाओं और बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स द माया इंटरनेशनल स्कूल Aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarkanagar in front of Greenland Marriage Garden.